गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर फर्स्ट, लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म्स। लिथोस्फीयर के बारे में और लैंडफॉर्म्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेट अस लर्न व्हाट इज़ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या होता है। सेकेंड, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, स्ट्रक्चर का अर्थ कैसा होता है, स्ट्रक्चर मतलब जो अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वॉट इज़ रॉक, वॉट आर इज टाइप्स, रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और रॉक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। वॉट आर द मेन फॉर्म्स ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के फॉर्म्स पढ़ेंगे। वॉट आर द इंटरनल फोर्सेज विच चेंज लैंड फॉर्म्स, इंटरनल फोर्सेज पढ़ेंगे जो लैंड फॉर्म्स में, मतलब क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या इंटरनल फोर्सेज हैं, ये पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। द ओरिजिन ऑफ द अर्थ डेट्स बैक टू 400 बिलियन ईयर्स अगो एंड सिंस देन मैनी चेंजेस आर अक्योर्ड। जो हमारा अर्थ का ओरिजिन है 400 बिलियन ईयर्स अगो पुराना है और आज भी उसमें बहुत सारे चेंजेस अक्योर्ड होते रहते हैं। अबाउट 29% ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लिथोस्फीयर, जो 29% जो हमारा अर्थ का भाग है वो कैसे सराउंडेड, लिथोस्फीयर से सराउंडेड है। वाइल 71% बाय हाइड्रोस्फीयर, 71% हाइड्रोस्फीयर से ढका हुआ है। एंड बोथ आर सराउंडेड बाय द कवर ऑफ एयर, और जो दोनों ही हैं ये जो 29% और 71% ये किससे कवर है, एयर से कवर्ड है। दस द मेन स्फीयर्स ऑफ द अर्थ आर लिथोस्फीयर, इसी स्फीयर को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं और एटमोस्फीयर बोलते हैं। द लिथोस्फीयर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इन नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर, देर आर बिग माउंटेन रेंजेस, माइटली रिवर्स एंड वैलीज इन सम प्लेसेस ऑफ एक्सटेंसिव प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ वेयर पीपल लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, जो आउटर क्रस्ट होता है अर्थ का, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जो लोग होते हैं वह रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। चेंजेस कंटिन्यू टू टेक प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं जो अर्थ के सर्फेस पे। देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस विच आर सीन ऑन द सर्फेस, दो टाइप्स के जो चेंजेस हैं जो हम देखते हैं, एक सडन चेंजेस और एक स्लो चेंजेस। बोथ द अबव चेंजेस आर कॉज्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस, वॉल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक्स दैट ब्रिंग्स अबाउट सडन चेंजेस आर इंटरनल फोर्सेस। जो वॉल्केनिक इरप्शंस है, जो अर्थक्वेक्स है, जो एकदम आते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, सडन चेंजेस बोलते हैं, जो हम जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। वाइल एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या क्या होता है, नेचुरल फोर्सेस आते हैं, जैसे रनिंग वाटर है, विंड है, मूविंग आइस है, सी वेव्स है, ये सब क्या है, स्लोली चेंजेस है, मतलब जो धीरे धीरे सरफेस पे चेंज होते जाते हैं, जो स्लोली चेंज होते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा कि लिथोस्फीयर क्या होता है। अब अपन पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इसका सेकेंड नंबर का जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैज ऑलवेज बीन सब्जेक्ट ऑफ मिस्ट्री, जो इंटरनल स्ट्रक्चर हम अर्थ के बारे में जो इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ये क्या है, एक सब्जेक्ट, एक मिस्ट्री जैसा है, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य जैसा है। द लेयर बिलो द अर्थ इज स्टिल बियॉन्ड अवर अंडरस्टैंडिंग, द साइंटिस्ट हैव मेड अप सेवरल एफर्ट्स टू एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ बाय डिगिंग माइंस, डिगिंग मतलब होता है खोदना और माइंस मतलब होता है जो हीरे होते हैं उसको हम माइंस बोलते हैं, मतलब जो हीरे रहते हैं, जो वॉल्केनोज रहते हैं, जो अर्थ को एक वेव्स रहते हैं। द साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट हैव पुट देयर लॉजिक्स, इमेजिनेशंस एंड व्यूज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट है, जियोलॉजिस्ट है, इन सब ने लॉजिक, इमेजिनेशन, व्यूज से पता करा है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को। द साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज इंटू थ्री पार्ट्स, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनने कितने पार्ट में डिवाइड करा है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को, तीन पार्ट में। फर्स्ट है क्रस्ट ऑफ अर्थ और आउटर लेयर, सेकेंड है मेंटल और थर्ड है कोर, कोर को नाइफ भी बोलते हैं। द एक्सटीरियर पार्ट और आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, जो एक्सटीरियर पार्ट होता है, जो आउटर लेयर होती है अर्थ की, इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। द लिविंग थिंग्स लिव इज ऑन दिस पार्ट, जो लिविंग थिंग्स होते हैं मतलब जो जीवित इंसान होते हैं वो इस पार्ट में रहते हैं। द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जो ओशन होते हैं, ये भी लिथोस्फीयर का ही पार्ट है। दिस स्फीयर इज फॉर्म्ड बाय लाइट पोरस रॉक्स, इट विड्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 10 to 70 किलोमीटर, जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, 10 to 70 किलोमीटर है, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म्ड बाय देम, द अपर लेयर ऑफ लिथोस्फीयर इज कॉल्ड सियाल, जो अपर लेयर होती है लिथोस्फीयर की उसको हम क्या बोलते हैं, सियाल। There is a prominence of silica and aluminium mostly in this part, जो इसमें सिलिका और एलुमिनियम क्या होता है, सबसे ज़्यादा mostly इस part में पाया जाता है। इसका जो average density है वो कितनी है, 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। this layer below the
सियाल इज कॉल्ड सीमा, जो इसकी जो लेयर होती है उसको हम सीमा भी बोलते हैं। इट मेनली कंटेन्स सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम मेटल्स। बिलो द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ लाइज मेंटल। इट्स डेप्थ इज बिटवीन 72 to 2900 किलोमीटर। इट हैज़ प्रोमिनेंट मिनरल्स लाइक ओलिवाइन एंड पायरोक्सिन। इट्स अप्रोक्सीमेट डेंसिटी इज 2.9 to 4.7। द इनर मोस्ट कोर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नाइफ। जो इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली जो कोर होती है, ठीक है, अर्थ की, उसको हम क्या बोलते हैं, नाइफ, और नाइफ को हम कोर भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेटेलिक कोर। इट इज़ कम्पोज बाय फेरियम एंड निकल। ये जो इसमें क्या पाया जाता है, फेरियम और निकल। इट इज़ द हाइएस्ट वेट एंड डेंसिटी। इसका वेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और इसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। दिस अप्रोक्सीमेट डेंसिटी इज 13.0। दिस पार्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर टू 6400 किलोमीटर लाइंग इन द इनर कोर ऑफ द अर्थ। द टेम्परेचर इनसाइड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज विद डेप्थ। द टेम्परेचर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 degree Celsius फॉर एवरी 32 meters डेप्थ। However, despite high pressure, internal rocks and metals do not melt, but remain solid। जो high pressure जो internal rocks पर रहता है, metals पर रहता है, तो वो इतनी जल्दी melt नहीं होती, but remain solid, solid form में तो रहती ही रहती है। It is all due to pressure of outer layers। ये सारा pressure कहाँ से आता है, outer layers से आता है, ठीक है। तो अपन ने इसका सेकेंड पॉइंट क्लियर करा, स्ट्रक्चर पढ़ा अपन ने अर्थ के बारे में, कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, और फर्स्ट पार्ट की कितनी क्या डेंसिटी होती है, सेकेंड की कितनी होती है, थर्ड की कितनी होती है, ठीक है। कोर, मेंटल और अपन ने क्रस्ट पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं रॉक्स। ऑल द सब्सटेंस विच फॉर्म ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड रॉक्स। जो सारे सब्सटेंस होते हैं जो क्रस्ट क्रस्ट से रहते हैं, जो अर्थ पे, ठीक है, जो क्रस्ट फॉर्म में रहते हैं, उसको हम रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। द वर्ड रॉक मीन्स हार्ड मटेरियल। जो रॉक का मतलब क्या होता है, हार्ड मटेरियल, जैसे ग्रेनाइट है। सॉफ्ट मटेरियल में क्या आएगा, सॉइल है। बोथ आर गोन फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। ये सारे ही इसके रॉक्स के ही फॉर्मेशन होते हैं। द रॉक्स आर कम्पोज ऑफ वन और मोर मिनरल्स। जो रॉक्स होती है वो किससे, वन और मोर, बहुत सारे मिनरल से कम्पोज होती है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स एज पर फॉर्मेशन। तीन टाइप्स की रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब सबसे पहले अपन इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ते हैं। दिस रॉक्स आर द प्राइमरी रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। दिस रॉक्स आर फॉर्म बाय हॉट मोल्टन रॉक मटेरियल इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ के सबसे इंटरनल पार्ट में जो हॉट मोल्टन रॉक रहती है, मतलब जो हॉट, जो ज्वालामुखी होती है ना, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म होती, जो मोलकुल हॉट मोल्टन रहती है, उस मटेरियल में अंदर रहती है। जैसे ही ये रॉक धीरे धीरे कूल्स होने लगती है, जैसे ये जो मोल्टन मगमा है धीरे धीरे कूल्स होने लगता है, इतना हार्ड जो रहता है, जो क्रस्ट के फॉर्म में रहता है, ठीक है, रॉक के फॉर्म में रहता है, तो जब वो अंदर से जब कूल होने लगती है, ठंडी होने लगती है, तो क्रस्ट के फॉर्म में, रॉक के फॉर्म में आने लगती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस रॉक को हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। व्हेन द मोल्टन मैटर कूल स्लोली इट्स फॉर्म इग्नियस रॉक। जब ये मोल्टन जो मगमा होता है, ठीक है, मोल्टन जो मगमा होता है, ये जो धीरे धीरे जब कूल होने लगता है, धीरे धीरे बिल्कुल जब स्लोली कूल होने लगता है, ठंडा होने लगता है, तो इग्नियस फॉर्म के रॉक में आ जाता है। और इग्नियस फॉर्म से हम क्या बना सकते हैं, ग्रेनाइट, इज नोन एज ग्रेनाइट। इससे ग्रेनाइट पैदा होता है। द ग्रेनाइट इज कॉमनली यूज। अब ग्रेनाइट किस किस चीज़ों में काम आता है, बिल्डिंग मटेरियल्स के काम में आता है। समटाइम्स द मोल्टन मटेरियल्स आर कॉल्ड हॉल ऑफ क्रैक ऑन द अर्थ सर्फेस। कभी कभार क्या होता है, इतना गर्म होता है कि जो अर्थ सर्फेस के इस पे होल पे क्रैक्स भी आ जाते हैं। इफ देन कूल्स क्विकली एंड फॉर्म अ रॉक इज नॉन एज बेसल्ट। जो रॉक जो क्विकली, मतलब जो ठंडी हो जाती है, जल्दी से ठंडी हो जाती है, उससे क्या बनता है, बेसाल्ट बनता है। इट इज़ अ डार्क कलर। ये वो डार्क कलर का होता है, हार्ड भी होता है, हैवी भी होता है, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन रोड्स। ये जो रोड्स बनती है, जो अपनी सड़कें बनती है, ये उसके काम आता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ते हैं। द पेबल्स टाइनी पीसेस ऑफ स्टोन्स फोशियल्स विच आर बींग कैरीड बाय वाटर एयर एंड स्नो आर स्टोर्ड इन लेयर ऑन लैंड अंडर ए सी बॉटम। सच असेंबल्ड सब्सटेंस आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। ये जो सारे असेंबल्ड सब्सटेंस होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। जो टाइनी पीसेस होते हैं ना, स्टोन्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं, फोशियल्स फ्यूल्स हैं, है ना, ये सब हम कैसे वाटर एयर सबसे कैरी करते हैं, ठीक है,
एंड स्टोर्ड कायम करते हैं इसको, लेयर्स और लैंड में स्टोर रखते हैं, ठीक है। इसको हम जो असेंबल्ड करते हैं सब्सटेंस को, इसको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। दिस लेयर ऑफ सेडिमेंट व्हेन अंडर प्रेशर एंड हीट हार्डन्स फ्रॉम सेडिमेंट्री और रॉक विथ लेयर्स। जब प्रेशर अंदर से बहुत ज़्यादा पड़ता है और जो इसकी जो हीट होती है वो बहुत हार्ड रहती है सेडिमेंट्री रॉक पे, तो द वाटर हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर एग्जिस्टेंस। जो पानी का इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है, जो पानी से बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन एग्जिस्टेंस, सो इज ऑल्सो कॉल्ड अ वाटर बॉर्न रॉक। जो सेडिमेंट्री रॉक होती है उसे हम वाटर बॉर्न रॉक भी बोलते हैं। सैंड स्टोन्स, लाइम स्टोन्स, क्ले, कोल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस रॉक। मतलब जो सैंड है, लाइम स्टोन्स है, क्ले है, कोल है, ये सब काय के एग्जाम्पल्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं। दिस ऑल्सो कंटेन्स द रिमेंस ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेशन। ये काय के कंटेन्स रिमेंस में आती है, एनिमल्स और वेजिटेशन के रिमेन में भी आती है। अराउंड 80% अपर लेयर ऑफ द अर्थ मेड बाय सेडिमेंट्री रॉक्स। जो कम से कम 80% जो अपर लेयर होती है अर्थ की, वो काय से बनी हुई होती है, सेडिमेंट्री रॉक से ही बनी हुई होती है। थर्ड अपन पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। व्हेन द शेप, कलर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यू टू इंटरनल हीट एंड प्रेशर कम्प्लीटली गेट्स चेंज, देन दिस कम्प्लीटली चेंज्ड रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मतलब जो शेप है, कलर है, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो इसके इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के होते हैं, इंटरनल अंदर से हीट और प्रेशर रहता है कम्प्लीटली, इससे जो पूरा चेंज होता है, पूरी तरीके से जो रॉक चेंज हो जाती है, और वो जो रॉक चेंज होती है उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। मार्बल फ्रॉम लाइम स्टोन, क्वार्ट्साइट एंड सैंड स्टोन स्टेट एंड क्ले, ग्रेफाइट एंड डायमंड, कोल आर मेड। इन सब चीज़ों से, इससे क्या बनता है मेटामॉर्फिक रॉक से, मार्बल बनते हैं, लाइम स्टोन बनते हैं, सैंड स्टोन बनते हैं, स्लेट बनती है, क्ले बनती है, ग्रेफाइट, डायमंड्स, कोल्स, ये सब कैसे बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक से। दिस रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड ग्रेन्युलर। ये रॉक क्या होती है, बहुत हार्ड और ग्रेन्युलर होती है। थर्ड पॉइंट पे अपन ने क्लियर करा। फोर्थ पॉइंट अपन पढ़ते हैं लैंडफॉर्म्स। द लैंडफॉर्म्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द अर्थ। द सर्फेस ऑफ रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ आर नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। लैंडफॉर्म्स कीप ऑन चेंजिंग। द लैंडफॉर्म्स एज पर फॉर्मेशन प्रोसेस एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्लासिफाइड इन टू थ्री कैटेगरीज, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। माउंटेन पढ़ते हैं सबसे पहले। माउंटेन्स इज अ मास ऑफ लैंड कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। एग्जाम्पल, मोर देन 1000 मीटर्स अबाउ द सी लेवल दे हैव अ नैरो और कॉनिकल पीक्स एंड स्टीप स्लोप्स। ओवर 20% ऑफ लैंड एरिया ऑन द अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय माउंटेन्स। जो हमारा 20% लैंड एरिया है, ये कैसे ऑक्यूपाइड है, माउंटेन्स। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स, फोल्डेड माउंटेन्स। बहुत सारे टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं, जैसे ब्लॉक माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है ना, और फोल्डेड माउंटेन है। माउंटेन्स आर यूजफुल आर मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैव द ओरिजिन फ्रॉम द माउंटेन्स। दे आर इन्फ्लुएंस क्लाइमेट एंड मिनरल्स आर ऑल्सो फाउंड इन माउंटेन्स। हमें क्या क्या क्लाइमेट और मिनरल्स भी फाउंड होता है माउंटेन्स में, ठीक है। प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं। प्लेट्यू इज़ अ ब्रॉड एंड फ्लैट एरिया ऑफ लैंड। प्लेट्यू जो होता है वो ब्रॉड और फ्लैट एरिया, मतलब लैंड के फ्लैट एरिया में होता है, एंड राइजिंग शार्पली अबाउ 600 मीटर्स और अबाउ मोर अबाउ सी लेवल। सराउंडिंग्स लो लैंड्स दे अपियर लाइक टेबल लैंड्स। प्लेट्यूज आर ऑल्सो ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक माउंटेन प्लेट्यू, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू एंड प्लेन प्लेट्यू। प्लेट्यू के कितने सारे वेरियस अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे माउंटेन प्लेट्यू होता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू होता है और प्लेन प्लेट्यू होता है। वी गेट मिनरल्स एंड सम ऑफ द प्लेट्यूज आर वेरी फर्टाइल। कुछ कुछ प्लेट्यू क्या होते हैं, बहुत फर्टाइल होते हैं। थर्ड है प्लेन। द रिलेटिवली लो फ्लैट एंड फर्टाइल एरियाज ऑन द अर्थ सर्फेस हुज इलेवेशन इज यूजअली लो इज नोन एज अ प्लेन। द प्लेन एरियाज आर फाउंड अप टू 350 मीटर्स अबाउ द सी लेवल। द प्लेन्स आर सूटेबल प्लेस फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेट बिकॉज पीपल फुलफिल देयर नीड्स ऑफ फूड, क्लोथ्स, हाउसिंग एंड अदर नेसेसिटीज। हैंस ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड ओरिजिनेटेड इन प्लेन एरियाज। दिस प्लेन्स आर नोन एज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। जो ये प्लेन है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। दिस एरियाज आर द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट्स ऑन द अर्थ। ये जो एरिया है क्या है, मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है अर्थ का। चेंजिंग लैंड फॉर्म्स।
चेंजिंग लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं, वी नो दैट द सी लेवल ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट इक्वल एवरीवेयर। जो हमारा सरफेस है अर्थ का, जो उसमें जो सी लेवल है वो सब जगह इक्वल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एट सम प्लेसेस इट इज़ अ फ्लेट प्लान, कहीं पर बहुत फ्लेट प्लान है, कहीं पर माउंटेंस है, कहीं पर प्लेट्यूज है। दिस आर क्रिएटेड बाय चेंजिंग फोर्सेज। ये काय से क्रिएट होते हैं, काय से बनते हैं, जब फोर्सेज अलग अलग चेंजिंग होते रहते हैं। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज ऑफ द अर्थ कीप ऑन द चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। जो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस है अर्थ का, ये क्या होता है, चेंज होता रहता है, पर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। दिस इज़ कॉल्ड द लैंड मूवमेंट प्रोसेस। इसको हम लैंड मूवमेंट प्रोसेस भी बोलते हैं। द इंटरनल पावर्स जनरेट टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जो इंटरनल पावर्स होती है वो दो टाइप्स में जनरेट होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। दे कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप्स, लॉन्ग टाइम और स्लो अर्थ मूवमेंट, सडन और फास्ट अर्थ मूवमेंट्स। ठीक है, हम इसे दो ग्रुप में क्लासीफाइड करते हैं, लॉन्ग टाइम और स्लो अर्थ मूवमेंट्स और सडन और फास्ट अर्थ मूवमेंट्स। लॉन्ग टाइम और स्लो अर्थ मूवमेंट क्या होता है, दिस हैपन्स वेरी स्लोली, दिस इंक्लूड्स कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेन मेकिंग प्रोसेस। द कॉन्टिनेंटल लैंड्स मूवमेंट्स कैन बी सीन ऑन वास्ट एरियाज, दिस मूवमेंट्स वर्क इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वेयरिंग द डाउन हाईलैंड्स एंड रेजिंग लोलैंड्स। दिस मेक कॉन्टिनेंट प्लेट्यूज प्लेन्स ऑन द अर्थ अपोजिट टू इट्स मूवमेंट्स मेकिंग, वेयर द फोर्स वर्क हॉरिजॉन्टली। जब फोर्स हॉरिजॉन्टली लगता है तो क्या क्रिएट होता है, प्रेशर और इनसाइड अर्थ एंड रॉक्स आर ब्रोकन और बैंड। जो रॉक्स होते हैं वो क्या होती है, ब्रोकन, टूट जाती है, बैंड हो जाती है, ठीक है, जब हॉरिजॉन्टली लगता है। दिस हैव इफेक्ट्स ऑन लिमिटेड एरिया। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ माउंटेन मेकिंग। माउंटेन्स मेकिंग टेक्स प्लेस बाय टू वेक्स, फोल्डिंग और रिफ्टिंग। माउंटेन्स के मतलब जो मेकिंग टेक्स होते हैं वो कितने, दो टाइप्स के वेज में होते हैं, फोल्डिंग और रिफ्टिंग। फोल्डिंग क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट इन द अर्थ कॉजेज वेव लाइक बैंड्स इन द रॉक्स। जो हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट होता है अर्थ में, उससे क्या क्या कॉजेज हो जाते हैं, मतलब जो हमारी लैंड से रॉक्स होती है वो बैंड हो जाती है। सच बैंड्स आर कॉल्ड फॉल्ट्स। ये जो बैंड्स होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट्स भी बोलते हैं। इन इट द फ्यू पार्ट्स ऑफ द रॉक लाइक अपवर्ड ड्यू टू बेंडिंग एंड सम ऑफ द बैंड डाउन। कोई कोई जो रॉक्स होती है वो क्या होती है, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, और कोई कोई नीचे की तरफ बैंड भी हो जाती है। रिफ्टिंग द प्रोसेस ऑफ रॉक्स ब्रेकिंग विथ प्रेशर एंड टेंशन टू हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट इज कॉल्ड रिफ्टिंग। जो प्रोसेस मतलब दिस प्रोसेस ऐसी प्रोसेस रॉक की जिसमें ब्रेकिंग हो जाती है प्रेशर्स के कारण एंड टेंशन के कारण, हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट हो जाते हैं, उसको हम रिफ्टिंग बोलते हैं। फ्यू पार्ट्स ऑफ लैंड लिफ्ट एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ गो डाउन। इसके कुछ पार्ट्स क्या होते हैं, लैंड लिफ्ट हो जाते हैं, और कुछ पार्ट्स क्या हो जाते हैं, गो डाउन हो जाते हैं। द वैली और ब्लॉक माउंटेन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इट। सडन लैंड मूवमेंट sometimes due to unexpected forces there occurs a destructive events on the earth with sudden land changes, these events are called sudden land movements. This happens in two ways, volcano or earthquake. जो sudden land movement होते हैं इसके भी two ways होते हैं, ठीक है। जो sudden land movement होते हैं, first क्या होता है, volcano, second क्या होता है, earthquake. Volcano क्या होता है, the volcano is the prominent among agents which causes sudden changes on the earth. जो sudden changes मतलब एकदम से fast changes आते हैं earth पे। द वॉल्केनो इज़ अ राउंड होल। जो हमारा वॉल्केनो है वो क्या, गोलाई के शेप में एन ओपन वेंट ऑन द अर्थ। द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस लिक्विड वाटर, इसमें क्या है, हॉट गैसेस है, गर्म आग है, लिक्विड है, हॉट वाटर है, रॉक्स के पीस मतलब पीसेस ऑफ रॉक्स है, ऐश है ना, आग है मतलब स्मोक है ना, और इंटीरियर ऑफ द अर्थ फ्रॉम दिस होल, द होल फ्रॉम विच दिस सब्सटेंस कम आउट इज कॉल्ड वॉल्केनो माउथ, और क्रिएटर ऑफ एंटायर एक्टिविटीज आर कॉल्ड वॉल्केनो इरप्शन। ये सारी चीज़ें जब उस होल के बाहर निकलती है, वॉल्केनो के मुंह के बाहर तक आ जाती है, तो इस एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं, हम वॉल्केनो इरप्शन भी बोलते हैं। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ इज हॉट। जो इंटीरियर पार्ट होता है अर्थ का वो क्या होता है, बहुत गर्म होता है। उसके तीन रीजन्स है, द इंटरनल पार्ट इज हॉट सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ रेडियो एक्टिव मिनरल, ठीक है, फर्स्ट ये वाला है, एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ रेडियो एक्टिव मिनरल्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रिएट्स हीट, प्रेशर ऑफ अर्थ लेयर्स एंड इंटरनल पार्ट्स बिकम्स हॉट। सेकेंड इज द ब्रेकअप ऑफ द प्रेशर ऑफ लेयर्स, एंड थर्ड इज ड्यू टू आउटर प्रेशर ऑफ द अर्थ। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इंटू पीसेज।
साइंटिस्ट के अकॉर्ड मतलब कर्मन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो जो अर्थ क्रस्ट है वो डिवाइडेड कितना डिवाइडेड पीसेस में, जो अर्थ क्रस्ट है वो डिवाइडेड क्या है, इंटू पीसेस में डिवाइडेड है। पीस मतलब टुकड़े, दिस पीसेस आर कॉल्ड प्लेट्स, इस पीसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं। दिस प्लेट्स कीप ऑन द मूविंग ड्यू टू इंटरनल हीट, द अर्थक्वेक और वॉल्केनो दैट इरप्ट्स ऑन द अर्थ इज ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ दिस प्लेट्स। द अर्थ सर्फेस बिकम्स वीक विद द मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स एंड मगमा पीसेस ऑफ रॉक्स एश एक्सेट्रा मटेरियल्स कम आउट फ्रॉम द अर्थ, दिस इज कॉल्ड इरप्शन ऑफ वॉल्केनो। जो मतलब अर्थ और वॉल्केनो होती है इसमें जो इरप्शंस होते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं, तो उससे क्या होती है, अर्थ सर्फेस बिकम वीक, अर्थ सर्फेस क्या होती है हमारी, वीक हो जाती है। ठीक है, प्लेट्स मगमा पीसेस ऑफ रॉक्स एश एक्सेट्रा सारे मटेरियल जब अर्थ के बाहर आते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनो इरप्शन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, वॉल्केनो के टाइप्स क्या है, फर्स्ट है एक्टिव वॉल्केनो, द वॉल्केनो विच फ्रिक्वेंटली इरप्ट आर कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनो, जो फ्रिक्वेंटली इरप्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एक्टिव वॉल्केनो। द इटना एंड द स्ट्रैम्बोली वॉल्केनोस ऑफ इटली आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनो, जो इटना है और स्ट्रैम्बोली वॉल्केनोस इटली में है, ये सब काय के एग्जाम्पल्स है, एक्टिव वॉल्केनो के। सेकेंड है स्लीपिंग और डॉर्मेंट वॉल्केनो, दिस आर द वॉल्केनोस विच वर फ्रिक्वेंटली इरप्टिंग अर्लियर बट समटाइम्स मे सडनली इरप्ट, दिस आर कॉल्ड हाफ एक्टिव और डॉर्मेंट वॉल्केनो। द वर्सियस ऑफ इटली इज द एग्जाम्पल ऑफ डॉर्मेंट वॉल्केनो, जो वर्वियस ऑफ इटली है ये काय का एग्जाम्पल है, डॉर्मेंट वॉल्केनो का है। थर्ड है डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, अ वॉल्केनो विच इज़ नाइदर एक्टिव नॉर डॉर्मेंट, ऐसा वॉल्केनो ना तो एक्टिव है और ना डॉर्मेंट है, एंड विच वी हैव नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये लॉन्ग टाइम के लिए इरप्ट भी नहीं होता, कोई चांस नहीं रहता इसमें इरप्शन का, इज कॉल्ड डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। द माउंट ऑफ किलिमंजारो ऑफ अफ्रीका आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वॉल्केनो, मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज आर फाउंड नियर द कोस्टल एरियाज, बहुत सारे मतलब अधिकतर वॉल्केनोज कहाँ पर मिलेंगे हमें, कोस्टल एरियाज में, पैसिफिक ओशंस में और कॉन्टिनेंटल रीजन्स में, हैंस दिस रीजन इज कॉल्ड रिंग ऑफ द फायर, ऐसे रीजन्स को हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ द फायर बिकॉज ऑफ मैनी एक्टिव वॉल्केनोज, यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज इरप्ट रहते हैं। इफेक्ट ऑफ वॉल्केनो ऑन ह्यूमन लाइफ, वॉल्केनो का क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन लाइफ पे, द वॉल्केनोज क्रिएट फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंड फॉर्म्स लाइक प्लेन्स प्लेट्यूज माउंटेन्स एक्सेट्रा, वी गेट वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम दिस, द लावा विच स्प्रेड्स ऑल अराउंड, जो लावा होता है जो गर्म मगमा होता है वो सारी जगह फैलता है, एंड द लॉन्ग टाइम टर्न्स इंटू फर्टाइल लैंड, द डेड वॉल्केनो माउथ फिल्ड विथ रेन वाटर क्रिएट्स द लेक्स, अब जब इस डेड वॉल्केनो पे क्या होता है रेन पड़ती है बारिश गिरती है तो ये क्या क्रिएट में लेक के क्रिएट में आ जाता है, मतलब लेक्स की क्रिएट्स में आ जाता है, लेक बन जाता है। द वॉल्केनो हैव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स टू, वॉल्केनो के मेरिट्स भी है और डीमेरिट्स भी है, मतलब कुछ इफेक्ट्स भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। द इरप्शंस ऑफ वॉल्केनो डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ, जो इरप्शन है वॉल्केनो का इसने ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर रखा है, कैटल वेजिटेशन एग्रीकल्चर लैंड्स हाउसेस बिग सिटीज एंड विलेजेस आर बर्नड ऑन कोलैप्स, मतलब बहुत सारी ये सारी चीज़ें क्या हो गई, जल भी गई और कोलैप्स भी मतलब ख़त्म भी हो गई है वॉल्केनो इरप्शन के कारण। अर्थक्वेक, द वर्ड अर्थक्वेक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स अर्थ एंड क्वेक विच मीन्स शेकिंग ऑफ द अर्थ, एज वैन वी थ्रो अ पीस ऑफ स्टोन इज अ पीसफुल वाटर सडनली रिपल्स अपियर ऑल अराउंड, सिमिलरली वैन द अर्थ क्रस्ट सडनली वाइब्रेट्स और शेक्स द वेव्स स्प्रेड ऑल अराउंड, जिस तरीके मतलब इसी तरीके से जब अर्थ क्रस्ट होता है सडनली तो वाइब्रेट होता है शेक होता है तो ये जो वेव्स होती हैं इसकी सब जगह फैल जाती है, वी कैन इट्स कॉल अर्थक्वेक, इसको हम अर्थक्वेक भी बोलते हैं। द प्लेस वेयर अर्थक्वेक अक्योर्स इज कॉल्ड अर्थक्वेक एपिसेंटर, जो प्लेस है जो जहाँ पर अर्थक्वेक मतलब अक्योर होता है उसको हम क्या बोलते हैं अर्थक्वेक एपिसेंटर भी बोलते हैं। द प्लेस एग्जैक्टली ओवर फोकस वेयर वेव्स ऑफ द अर्थक्वेक्स आर फेल्ट फ्लसली इज कॉल्ड अर्थक्वेक सेंटर। वाई अर्थक्वेक अक्योर्स, अर्थक्वेक क्यों आता है, द अर्थक्वेक हैपन्स ड्यू टू सडन मूवमेंट विद इन द अर्थ, वो एकदम से कोई सडन मूवमेंट होता है अर्थ में तो क्या होता है अर्थक्वेक आता है। द अर्थक्वेक ऑल्सो टेक प्लेस ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, समटाइम्स द गैसेस और वेपर बींग फॉर्म्ड अंडर द बॉटम ऑफ द अर्थ ब्रेक्स द अर्थ क्रस्ट टू कम आउट एंड थस अर्थक्वेक अक्यर्स, कभी कभार क्या होती है जैसे गैसेस जो होती है जो वेपर्स होती है वो सब फॉर्म्ड में बॉटम ऑफ द अर्थ में फॉर्म्ड होती है, ब्रेक्स होती हैं जो अर्थ क्रस्ट में जो और फिर वो क्या होती है सब जो गैसेस होती है वेपर्स होती है सब बाहर निकलती है और वो अर्थक्वेक का फॉर्म ले लेती है तो अर्थक्वेक अक्यर अर्थक्वेक आता है। जैसे वॉल्केनोस है, कोस्टल रीजन्स है, पैसिफिक ओशंस है, ठीक है, मैनी अर्थक्वेक्स, जापान एक्सपीरियंस
फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स जो जापान में आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्रीक्वेंट आते हैं, सडन आते हैं, एकदम आते हैं। द माउंटेन एरियाज ऑफ द हिमालय आर द मेन जोन ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया। जो हमारे माउंटेन्स हैं हिमालयस के, ये मेन जोन है अर्थक्वेक के इंडिया में। अर्थक्वेक आर यूजफुल, अब अपन अर्थक्वेक यूजफुल है क्या ये पढ़ते हैं। समटाइम्स फर्टाइल एंड लैंड इमर्ज, कभी कभार क्या हो जाता है इसे अर्थक्वेक से लैंड जो होती है हमारी फर्टाइल हो जाती है, लैंड इमर्ज हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड एरियाज, कभी कभार हमें नए फॉर्मेशन मिल जाते हैं लैंड एरियाज के लिए, न्यू लैंड एरियाज के लिए। वैल्यूएबल मिनरल्स, कभी कभार हमें बहुत अच्छी मिनरल्स मिल जाती है जो सरफेस पे आ जाती है, ठीक है। लेक्स आर फॉर्म्ड इन लो लाइंग एरियाज, जो लेक्स होती हैं वो क्या होती है लो लाइंग एरियाज पे आ जाती है, कैसे अर्थक्वेक के, ड्यू टू अर्थक्वेक से। अब अर्थक्वेक आर हार्मफुल ऑल्सो, अर्थक्वेक हमारे लिए हार्मफुल भी है, ठीक है। तो फर्स्ट है उसका लॉस ऑफ पीपल, पीपल्स एंड एनिमल्स पेरिश, बिल्डिंग्स रेलवेज रोड्स एंड फैक्ट्रीज सफर बैडली, मतलब बहुत सारे पीपल्स इसके कारण क्या होते हैं मर भी जाते हैं, पीपल्स एंड एनिमल्स पेरिश भी हो जाते हैं, बिल्डिंग्स है रेलवेज है रोड्स है इन सब की फैक्ट्रीज क्या हो जाती है बहुत बेकार तरीके से कभी कभार टूट भी जाती है, ख़राब भी हो जाती है, इनको बहुत बैडली सफ़र करना पड़ता है। डिवास्टिंग फ्लड अक्योर्स ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द रिवर रूट्स, जो सब जगह क्या होते हैं रिवर रूट्स के ब्लॉकेज हो जाते हैं। हाई एंड डिवास्टिंग सी वेव्स राइज, हाई एंड डिवास्टिंग सी वेव्स हो जाती हैं। क्रैक्स डेवलप्ड इन लैंड एंड फ्यू एरियाज गो डाउन ड्यू टू अर्थ सर्फेक्स, जो क्रैक्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं लैंड में ज़मीन में, जो बहुत सारे एरियाज में क्या होता है मतलब ज़मीन धस भी जाती है अर्थक्वेक के कारण। तो ये अपना चैप्टर यहाँ पर कम्प्लीट होता है आपका, और ये अपन ने पूरा चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ा है, फर्स्ट लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म्स। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसकी जो एक्सरसाइजें हैं ये आपको अपनी पीडीएफ पे मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू क्लास।